सोहेल भाई का भी सारी मंडी ग्रिल में जो है ना ये तैयार हो गई है। अभी हम आए हैं फिश मार्केट रेस्टोरेंट नसीराबाद बिन हाशिम के सामने। तो यहाँ पर हम है ना खाएंगे ग्रिल्ड प्रॉन्स और साथ में है ना प्रॉन्स कढ़ाई। तो अभी चलते हैं देखते हैं इसलिए कि यहाँ पर इनकी खासियत ये है कि एक तो प्रॉन्स भी ये बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं अपनी ही मतलब एक कैचिंग करते हैं वहाँ पर जो है ना फिश मतलब एक दरिया से सॉरी समंदर से खुद ही जो है ना प्रॉन्स पकड़ते हैं और उधर से बिल्कुल फ्रेश आते हैं और यहाँ पर फ्रेश ही जो है ना मतलब ये पकाते हैं। फिश अगर है वो भी जो है ना इन्होंने ज़िंदा रखी होती है और वही सारा वो करते हैं। तो उम्मीद है बड़ी अच्छी होगी। तो आइए हमारे साथ स्टे विद अस। दो ऑप्शन दिए थे सज्जाद भाई को कि भाई यहाँ पर तैयारी खा ले इस इलाके के अंदर खाइए फिश मार्केट रेस्टोरेंट है। उन्होंने कहा कि प्रॉन कढ़ाई जरा नया आइटम है नया भी तो खाते रहते हैं तो हम प्रॉन कढ़ाई ट्राई करते हैं। इसलिए कि मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है देखी थी वीडियो में लेकिन खाई नहीं थी तो अभी जो है ना मतलब प्रॉन्स तो खाए थे लेकिन कढ़ाई का नाम आता है तो केसीके का पेशावर का नाम आता है लेकिन वो होती है मटन की कढ़ाई मुंबई की कढ़ाई और उसमें जो है वो पेशावर के से आगे कोई निकल नहीं सकता लेकिन प्रॉन कढ़ाई जो है वो है कराची का आइटम। अब ये देखते हैं कि इसकी कढ़ाई है इंशाल्लाह एक प्रॉन कढ़ाई वहाँ भी है राशिद बंगाली राशिद सी फूड के ऊपर केवाड़ी के पास वहाँ पर भी अच्छी होती है। इसके अलावा अनवर कढ़ाई अनवर होटल इसके अलावा एक जो है ना वो मलीर में अनवर होटल है उसकी कढ़ाई जो है ना उसके पास भी प्रॉन कढ़ाई होती है लेकिन यहाँ की कढ़ाई भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो सी फूड है ना वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। हाँ बिल्कुल वो तो अभी हमने देखे हैं जो बिल्कुल जो है ना वो प्रॉन्स एक तो जम्मू प्रॉन्स से हैं और दूसरे जो है बिल्कुल ही फ्रेश है यानी वो उनकी मांस की बिल्कुल उसमें कोई स्मेल वगैरह से कुछ नहीं है। झींगे हमारे बन रहे हैं बारबेक्यू पे नमक वाले अस्सलाम वालेकुम भाई क्या ठीक था। ये झींगे कढ़ाई बन रही है सॉरी फिश कढ़ाई ये झींगे की कढ़ाई नहीं है हाँ यही है ना ये झींगा की कढ़ाई बन रही है माशाल्लाह झींगा इन्होंने डाल लिया फिश की कढ़ाई झींगा की कढ़ाई मतलब कराची की अब अपनी कढ़ाई स्पेशलिटी हो गई है। हाँ मैंने कहा कराची की अब अपनी कढ़ाई की स्पेशलिटी हो गई है अभी तक तो मटन कढ़ाई होती थी चिकन कढ़ाई होती थी अभी यहाँ पर फिश कढ़ाई और झींगा कढ़ाई बटर कढ़ाई हाँ ज़बरदस्त चपाती चपाती ये मैदे की है ये खमीरी है पतीरी है ये पतीरी रोटी लाल आटे का अच्छा ये झींगा कढ़ाई सॉरी झींगा जो है ना बारबेक्यू ग्रिल में जो है ना ये तैयार हो गई है बारबेक्यू प्रॉन्स आ गए हैं और साथ में जो है ना ये सॉसेज हैं और ये मसाला और ये नींबू बिस्मिल्लाह ला बरकतुल्लाह ये सिर्फ नमक है सिर्फ नमक है जिस तरह मटन नमकीन बनती है ना समझे ये नमकीन प्रॉन उस तरह से है जिस तरह वो टिक्का पिशावरी टिक्का है ना इसी तरह का टेस्ट आ रहा है। हाँ ये मसाले वाले भी होते हैं लेकिन मुझे यही पसंद आए थे मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यही बिल्कुल सिर्फ असल में प्रॉन का टेस्ट आएगा जो प्रॉन का एक्चुअल टेस्ट है ना वो इसमें आपको आएगा। पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं उनको बोलो नमक वाले प्रॉन बना दो आपको कभी भी नहीं बना के देंगे कभी नहीं बना के देंगे। वजह ये है कि ये शाम को पकड़े गए प्रॉन और वो पता नहीं कितने पुराने हैं क्या केमिकल लगा के आपको दे रहे हैं तो जब आप वो खाएंगे ना तो आपको एक स्मेल सी आएगी बात खा नहीं सकते हो और वो रबड़ की तरह होगा आपने प्रॉन हर जगह खाए आप देखेंगे च्युइंगम की तरह चबाते हैं ये बिस्किट सर ये भी खा लेते हैं और
एक्चुअल प्रॉन का टेस्ट है ना वो इसमें आपको आता है बिल्कुल, और इसका टेस्ट है ना फ्रेशनेस की तरफ जाएगा, ये मीठा होगा खाने में, इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा मीठा होगा, बहुत ज़बरदस्त है। ये इसमें एक और सॉस है मिर्च वगैरह की, इसके साथ देखते हैं कोई सॉस ना लगाएं, कुछ भी ना लगाएं, सादा खाएं, ज़बरदस्त रहेगा। इसके साथ अगर सॉसेस लगाएं उसके साथ और भी उसके सोने पे सुहागा सुहागा, लेकिन असल जो है ना वो खाली बगैर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। लीमू इसके ऊपर डाल के देखें, ये सब लीमू के साथ जवाब इसका मैं कहता हूँ जो चस्का ले ले हाँ। तो फिर जो है ना वो यही कह के चले बात। ये बाकी प्रॉन्स कढ़ाई जी बिल्कुल, इसका तो हमने सफाया कर दिया नमकीन प्रॉन्स का, और अब उसके बाद जो है ये प्रॉन्स कढ़ाई आ गई, ये तो बाकी लाजवाब इसका टेस्ट था। अब इसका टेस्ट चेक करते हैं, इसका भी यकीनन जो है ना बिना किसी शक और शुबे के ज़बरदस्त टेस्ट होगा। थोड़ा गर्म होगा, गर्म हो रही होगी हाँ। ये प्रॉन्स के मेरे ख्याल पीसेस किए हैं इन्होंने, नहीं नहीं पीसेस नहीं, ये ग्रिल के अंदर जो है वो थोड़े लार्ज साइज के प्रॉन है, अच्छा इस कढ़ाई के अंदर थोड़े मीडियम साइज के प्रॉन है, अच्छा तो अभी इसका टेस्ट देखते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक के लिए जिस तरह की भाई ने बताया कि चूँकि बिल्कुल फ्रेश थे अभी शाम को ही आए हैं, ना इसमें जो है ना वो कोई स्मेल वगैरह ना कुछ, और जायका लाजवाब। जो ग्रिल वाले थे वो भी बेहतरीन, कढ़ाई में जो है वो भी लाजवाब, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इवन इसकी अगर ग्रेवी भी आप देख लें तो उसमें भी चूँकि वो प्रॉन्स का जो है ना वो जायका मिक्स हो गया, मसाला बड़ा टेस्टी है, प्रॉन्स साथ में ना भी हो तो मसाला जो है ना वो भी बड़ा टेस्टी है, तो कोयले के ऊपर बनती है ये कढ़ाई, वो स्लो कुक प्रोसेस से होके जाती है, तो उसकी वजह से जो है ना इसकी मतलब एक टेस्ट जो है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो है ना इसके साथ जो हम ये रोटी ले रहे हैं चपाती जो कि आपने देखी है, तो इसके साथ जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल अलग किस्म का है, बहुत मज़े का है, बहुत यूनिक। अभी एक भाई ने हमें ये बताया कि ये जो बना रहे हैं कर रहे हैं ये सरसों के तेल में कर रहे हैं, जो कि कुछ है ना मतलब बहुत ही एक हेल्दी आइटम है, तो इस वजह ओवरऑल खाना जो है ना मतलब ये कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत जायका भी है, सब कुछ है पेट का। फ्रांस और हमने फ्रांस कढ़ाई भी खा ली, साथ में है ना ये बारबेक्यू जो किए थे ग्रिल्ड फ्रांस, तो दोनों जो है ना बहुत ही उमदा जायका, खासकर जो ग्रिल्ड बारबेक्यू थे उसका तो कोई जवाब नहीं, तो बहुत मज़ा आया।